और इन दोनों को मैंने उठा लिया है मरीन ड्राइव से और अपनी गाड़ी में बिठा के अब मैं ले जा रहा हूँ उन दोनों को गुजरात। सब गाइस, दिस इज निर्मल और आज मैं जा रहा था मरीन ड्राइव के लिए, सो आई थॉट लेट्स व्लॉग, तो चले चलते हैं बाहर। मम्मी मैं जा रहा हूँ, हाँ सो आज हम करेंगे ब्लॉग मरीन ड्राइव और एक टेक हिंदी का एक मीटअप भी है, सो हम मीटअप में भी जाएंगे, यस, और कुछ फ्रेंड्स से मिलेंगे, सो देखते हैं क्या है जो भी है, सो चले मिलता हूँ मैं आपसे सीधे मरीन ड्राइव में। पर हम लोग तो आ गए हैं मरीन ड्राइव्स को, अभी देखते हैं मीटअप क्या है और आपको मैं ग्लिम्स दिखाता हूँ यहाँ की कुछ। और यहाँ पर मेरे साथ कौन है, देखो, हाय गाइस, सो यश है, इनका भी एक यूट्यूब चैनल है यश टेक्नोलॉजी से, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सो आप वहाँ पर भी देख सकते हो। और हम लोग ढूंढ रहे हैं अभी मीटअप का भी चल रहा है, बाय द वे देखते दिखाते हैं आपको कैसा क्या चल रहा है बाकी सर। लेट्स सी, अंकुर से टेक हिंदी से हमारी बात हुई इंस्टाग्राम में, वो एक्चुअली कोलाबा के पास है, सो हमने उनसे पूछा कि आने वाले कि नहीं, तो वो पूछ रहे थे बेसिकली कितने लोग आए मीटअप के लिए, हमने 10 लोग बोला है और आपको पता है कितने लोग हैं देखो मीटअप के लिए यहाँ पर, बस सो देखते हैं अभी आके आने के बाद उनका रिएक्शन क्या होता है, देखते जो भी होगा मजा आएगा। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं मीटअप के लिए हम लोग आए हुए थे, ज्यादा लोग थे नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने सर को बुला लिया है तो सर तो हमें फाइनली मिल गए, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन है हमारे साथ। आप देख सकते हैं मैं हूँ अंकुर सथवारा और इन दोनों को मैंने उठा लिया है मरीन ड्राइव से और अपनी गाड़ी में बिठा के अब मैं ले जा रहा हूँ उन दोनों को गुजरात। तो सी यू गाइस फ्रॉम गुजरात। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि सच्चाई तो ये है कि लास्ट मोमेंट पे मीटअप पे बुलाया, सबकी खुद की लाइफ होती है तो ऑब्वियसली कोई नहीं आया, शायद 7-8 लोग आके गए और फिर मैं निकल गया था और फिर भाई मुझे मैसेज कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे और बोला कि आए हैं बहुत लोग, आ जाइए आप, तो मैंने सोचा कि अगर आपने ऐसे भी बोल दिया होता कि 2 लोग ही है तो मैं आ जाता, मुझे पता है, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे यार कौन से 10 लोग आ गए, तो कोई बात नहीं, मैं फिर वहां पे गया और हमने काफी सारी गाड़ी में बातें की, तो इनका कंटेंट एक्चुअली पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया, काफी मेहनत कर रहे हैं, इनफैक्ट उन्होंने जो पैरोडी की वो भी बहुत सही है, तो कीप वर्किंग ऑन दैट, आपको बिल्कुल सक्सेस मिलेगी। और बताइए क्या कोई क्वेश्चंस हो आपको यूट्यूब से रिलेटेड खास करके। सर थोड़ा सा जो हमारे कुछ व्यूअर्स हैं, बहुत से इनफैक्ट फ्रेंड्स ही हैं जो यूट्यूबर्स हैं, ओके, तो कोई टिप्स जो एडवाइस करना चाहेंगे आप। ओके, टिप तो मैं ये देना चाहूंगा कि यूट्यूब पे ऑब्वियसली आप लोग काफी लोग पैसे को देख के आए होंगे, फेम को देख के आए होंगे, कुछ लोग ऐसे ही अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए भी आते हैं, मगर जो लोग
पैसे देख के फेम देख के आते हैं उनको मुझे बताना बिल्कुल जरूरी समझता हूँ मैं यहाँ पे कि पैसे के लिए आप आए हो तो अभी आप पैसे के बारे में मत सोचो, आप फेम के लिए बिल्कुल सोच सकते हो, आप क्वालिटी कंटेंट बनाओ। कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत ही क्वालिटी कंटेंट बनाते हो, जितनी एफर्ट देते हो उतना आपको लगता है कि यूट्यूब आपको नहीं दे रहा है, कुछ टाइम के लिए लगेगा, मगर हाँ मैंने देखा है कि यूट्यूब में आप जितनी कंसिस्टेंसी दोगे, जितना क्वालिटी वर्क दोगे, आपको कुछ टाइम के बाद बिल्कुल मिलेगा। और इनफैक्ट मेरे पर्सनल दो तीन दोस्त हैं जो इनफैक्ट मैं जिनसे बहुत क्लोज हूँ, उन लोगों की चैनल में मैंने देखा है एक दो साल उन्होंने लगा दिया और उसके बाद उनको रिजल्ट्स अब देखने को मिल रहा है, कम इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, कुछ चैनल्स में ज़्यादा मिलते हैं, वो टोटली हमारे फॉर्चून पे डिपेंड करता है। मगर हाँ जब मेहनत करते हैं हम दिल से तो आपको कभी ना कभी उसका रिजल्ट मिलता है। और आपके एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर्स खत्म हो गए, आपके तो बहुत जल्दी खत्म हुए होंगे, आप मुझे पूछिए मैंने 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए क्या क्या पापड़ नहीं तले, तो मैं भी शायद आप ही की कम्युनिटी से हूँ कि जिनको बहुत मेहनत के बाद कुछ देखने को मिला था। मगर हाँ जब आप एक क्या बोलते हैं दीवार तोड़ के आप बाहर आते हैं, आपको पता चलता है कि स्ट्रगल चीज क्या होती है और क्वालिटी कंटेंट का आपको जो बैकअप मिलता है, सॉरी मतलब जो आपको रिटर्न में मिलता है वो बहुत वैल्यूएबल होता है और उसकी इम्पोर्टेंस आप ही को होती है। तो मोटिवेटेड रहिए, खुद को मोटिवेटेड रहिए और आप जो कर रहे हैं उसे करते रहिए, बस मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगा। मतलब रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती है इक्विपमेंट्स चैनल स्टार्ट करने के? इक्विपमेंट्स में तो आप खुद, मैंने आपका कंटेंट देखा, मतलब मुझे पता तो चल गया स्मार्टफोन है, मुझे नहीं पता था कि ये वन प्लस, और आपके पास तो वन प्लस टू है ये राइट? ओके वन प्लस थ्री टी है, ये थ्री टी है ओके तो इनका तो काफी महंगा फोन है, सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, मगर इस फोन की क्वालिटी काफी अच्छी है। 3T मेरे हाथ में कभी आया नहीं था तो मुझे नहीं पता था, और मतलब फोन से स्टार्ट कीजिए। इनफैक्ट आप मेरे चैनल टेक हिंदी के डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख सकते हैं, तो उनके कुछ स्टार्टिंग के वीडियोज मेरे फोन से शूट किए गए, इनफैक्ट काफी इंपॉर्टेंट मैंने चीजें बताई थी, फंडामेंटल चीजें बताई थी जिसमें मेरा सिर्फ चेहरा आता था, फिर भी मैंने वो मोबाइल से शूट किया है, इनफैक्ट माइक भी यूज नहीं किया था, तो वैसे शुरुआत की थी एंड उसी पैसों से मैं कैमरा खरीद पाया आपको सच बताऊं तो ऐसा नहीं है, फोन से स्टार्ट कीजिए, एक ट्राइपॉड बिल्कुल खरीदिएगा वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ लोग बुक्स रख के भी फोन को स्टेडी कर सकते हैं, मगर एक कैमरा अभी बहुत सस्ता मिल जाता है, आप 250 रुपए का एक ट्राइपोड, छोटा वाला ट्राइपोड, टेबल ट्राइपोड रख के भी काम चला सकते हैं अभी के लिए, तो वैसे आप शुरुआत कीजिए। एक माइक्रोफोन भी फिर 250-300 रुपए का जो एकदम बेसिक होता है वो ले सकते हैं, मुझे लगता है कि एक दूसरा फोन शायद रिकॉर्डिंग के लिए यूज किया जाए तो भी अच्छा रहेगा, आपका भाई का हो, मॉम का हो, किसी का भी, तो बस उतना चाहिए आपको। फोन से एडिटिंग काफी लोग करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, बस वही आप कर सकते हैं, एक कंप्यूटर लैपटॉप हो तो थोड़ी बहुत एडवांस चीजें आप कर सकते हैं, मगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, बस इतनी बेसिक चीजें काफी तो हमारे घर पे ही आपको मिल जाएगी। सो दैट्स इट गाइस, आप लोगों ने हो ब्लॉग पूरी देख ली, अगर वीडियो यहाँ तक देखा है तो कर दीजिए लाइक और सर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इनकी चैनल को जाके अभी के अभी आप नीचे जाके रेड बटन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए, जस्ट डू इट, यू नो व्हाट हैपेंस इफ यू डोंट डू इट, नथिंग। ओके तो बस आज के लिए इतना ही, हम आपको मिलते हैं अगले और नए एक और बेटर क्वालिटी वीडियोस के साथ, आपका दिन शुभ रहे।